बच्चे के जन्म होते ही पूरा परिवार खुशी मनाता है और जन्म संस्कार से लेकर और दूसरे संस्कार करता है। लेकिन 16 संस्कारों में से एक जो कि स्वास्थ्य के लिए कराया जाता है, उसे लोग भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद ने आज भी इसे जीवंत रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं स्वर्ण प्राशन संस्कार की, जिससे एक नहीं अनेक स्वास्थ्य लाभ बच्चे को होते हैं। इस विषय में आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा से हमने बातचीत की। स्वर्ण प्राशन संस्कार सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक कराया जाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका निभाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियों से लड़ने के लिए एक ऐसा रसायन का निर्माण किया गया, जिसे स्वर्ण प्राशन कहा गया। आयुर्वेद के द्वारा आज भी उसे जीवंत रखा गया है। स्वर्ण प्राशन संस्कार के साथ शहद, ब्रह्माणी, अश्वगंधा, गिलोय, शंख पुष्पी, वचा जैसे जड़ी बूटियों से निर्मित किया जाता है। इसके सेवन से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास बेहतर होता है। स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार जो है, हमारे 16 जो संस्कार होते हैं उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। यह स्वर्ण बिंदु प्राशन नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि स्वर्ण इसमें मिला हुआ होता है। स्वर्ण भस्म, घी, शहद और अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामासी और आदि आयुर्वेदिक औषधियों का यह मिश्रण है। इसको विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है, विशेष समय पर तैयार किया जाता है और इसको पुष्य नक्षत्र में देने का विधान है। इसको पुष्य नक्षत्र में प्रति माह दिया जाता है। बच्चों को यदि 6 महीने तक लगातार उनको सेवन कराया जाए तो वो श्रुतधर बन जाते हैं, मतलब सुनकर याद रखने वाले बन जाते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ दूर होकर वे विलक्षण प्रतिभाशाली बनते हैं। तो स्वर्ण बिंदु प्राशन बच्चों के लिए बहुत अमृत तुल्य है। इसको 0 वर्ष से 18 वर्ष तक दिया जाता है। जो इस स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार, हमारे पुराने जमाने में जब बच्चा पैदा होता था तो चांदी की सलाका से, शहद से बच्चों के जीभ में ओम लिखते थे। ये वही स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार है। उसकी इसका वर्णन हमारे काश्यप संहिता में विस्तार से दिया गया है, जिसका सेवन कराने से बच्चों की शारीरिक मानसिक विकृतियां दूर होकर वे विलक्षण प्रतिभाशाली बनते हैं। ये अब नवंबर माह में 4 तारीख को पड़ेगा। 4 नवंबर को पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है, स्वर्ण भस्म का स्वामी गुरु होता है। तो ऐसे जो सामान्यम वृद्धि कारणम, सो सामान्य सामान्य का वृद्धि करते हैं, उस तरह से गुरु गुरु प्रधानता होकर ये हमारे शरीर में विशेष फलदायी होते हैं।